मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सूटकेस में बंद लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महज 72 घंटे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। ठाणे के वसई बिरार में नाले में एक सूटकेस बरामद किया गया था, जिसमें एक लाश थी। पुलिस ने उस लाश के पैर में बंधे धागे और जूतों के जरिए से मृतक की पहचान लवेश माली के रूप में किया था। बताया जा रहा है कि 8 नवंबर से ही माली लापता था। पुलिस जांच में पता चला कि नशा करने के दौरान कुछ पैसे गायब होने और माली के ऑटो रिक्शा एक अन्य गाड़ी से टक्कर होने पर ऑटो रिक्शा की कांच टूट गई थी और आरोपी ऑटो रिक्शा का मालिक था। इसी बात को लेकर माली और आरोपियों के बीच में काफ़ी बहस हुआ और ये बहस विवाद में बदल गया। उसके बाद आरोपियों ने चाकू से और पत्थर मारकर माली को मौत के घाट उतार दिया और लाश को सूटकेस में बंद करके एक नाले में फेंक दिया था। मगर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। नायगांव में जो बामन पाड़ा है वहां पर एक बॉडी मिली थी। कुछ लोग लघु शंका के लिए गए थे तो उनको वो बॉडी दिखी थी। वो बॉडी पूरी तरह से सड़ गई थी, लेकिन जब नायगांव पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम में ऐसा निष्पन्न हो गया कि वो बॉडी उसके ऊपर स्कल फ्रैक्चर है और उसका मर्डर हुआ है। तो उसके ऊपर से फिर नायगांव पुलिस स्टेशन में 24/11/23 को मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। उसमें 201 का कलम भी शामिल किया गया। तपास में ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये जो मयत है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने, परिमंडल 2 की टीम ने यहाँ से जो बॉडी मिली थी उसके ऊपर जो कपड़े थे या कुछ चीज़ें थी उनका सब फोटोज अच्छी तरह से निकाल के वो उसके फॉर्मलेट्स तैयार करके अलग अलग पहाड़ों में लोगों ने घूम के 3 टीम्स तैयार करके उनको बॉडी को पहले आइडेंटिफाई किया कि वो किसकी बॉडी है। वो तो लवेश रमेश माड़ी करके 30 साल का लड़का है, उसकी बॉडी थी। वो तो बॉडी निष्पन्न करने के बाद में हमारी टीम ने बाद में उसको जो मयत हुआ है उसके जो दोस्त है उनको ढूंढा। वो तो कुछ साक्षीदार भी मिले, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार जिसने हमें बता दिया कि ये लोगों का झगड़ा हुआ था। रिक्शा की कांच फूटने की वजह से जो एक आरोपी है उसकी जो रिक्शा थी उसकी कांच फूटी थी और ये मयत ने उस कोई चलाने के टाइम पे कांच फूट गई थी तो उसका नुकसान भरपाई देने के लिए भी उन्होंने उसको तगादा लगाया था। इसकी वजह से उन्होंने उनको ये मयत को मारा और मारने के बाद में उसका जो बॉडी था वो जंगल में फेंक दिया था। तो इनका पहले से कुछ भी झगड़ा नहीं था। नशा करने के बाद में मयत ने रिक्शा चलाने की कोशिश की लेकिन वो चला नहीं पाया और उसने एक डंपर को ठोक दिया तो उसकी कांच फूट गई। वो तो कांच जो फूट गई तो उसका भरपाई दो इसके लिए उनकी झगड़ा हुआ था। उनके कुछ भी बैकग्राउंड नहीं अभी तक हमने पता किया है, लेकिन अभी और पता करने की जरूरत है। इन्होंने पहले भी कुछ ऐसे क्राइम किए हैं क्या? इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार है, एक विधि संघर्षित बालक है और एक आरोपी है उसके बारे में हमें पता चला है, उसको भी हम लोग आज अरेस्ट करेंगे। तो ये मेहनत का काम था, यहाँ पे कुछ भी क्ल्यू नहीं था। हमारी जो टीम है PI रणवीर और उसके दोनों API और उनके जो अधिकारी कर्मचारी इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। ये जो है मेहनत इसकी वजह से इन्होंने 3 टीम बना के अलग अलग पहाड़ों पे ये जो पॉम्पलेट्स है वो दिए थे और उसके ऊपर ये बॉडी की पहचान हुई कि ये जो चप्पल पहनी थी बॉडी ने और मयत ने जो चप्पल पहनी थी और उसके पैर में एक धागा पहना हुआ था, वो टिपिकल आदिवासी लोग धागा पहनते हैं, उसके ऊपर से ये बॉडी की पहचान हुई। और लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और जब मर्डर रजिस्टर हुआ 24/11/23 को और उसके बाद में 26/11/23 को हमने वो जो बॉडी पहचान की और बॉडी पहचान करने के बाद में तुरंत 2-3 घंटे में हमने आरोपी भी पकड़ लिए थे। ये सब बीबी पाड़ा कर जो है बामन जो बीबी पाड़ा वहाँ के रहने वाले नायगांव की बॉडी जिस तरीके से उन्होंने जंगल में फेंकी है उस तरीका जो पड़ता है उसके तरफ से मालूम पड़ता है कि ये शरायत गुनेगार है, लेकिन इनके ऊपर कुछ केसेस रजिस्टर है क्या ये देखना पड़ेगा। सीसीटीवी वहाँ पर कोई सीसीटीवी की मदद नहीं मिली, ये सिर्फ हमारे लोगों ने मेहनत करके
पॉम्पलेट्स बांट के ये डिटेक्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? आरोपी की गिरफ्तारी वहीं से हुई है जहाँ रहता है वो, नायगांव से। थैंक यू सर।